सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। आ गए हम डे टू श्रीनगर में। अभी हमें आज हम कवर करेंगे गुलमर्ग। गुलमर्ग भी यहाँ से कम 70 किलोमीटर दूर है, जो पीक कश्मीर में ही पड़ता है। वहाँ पे बजरंगी भाईजान मूवी सबने देखी होगी, तो उसकी शूटिंग हुई थी। तो गाइज उस टाइम कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सीआरपीएफ सोल्जर्स ने ब्लॉगिंग करने से मना कर दिया था। बाकी अभी हम निकल गए हैं, जैसे कि आपको बता रहे थे, गुलमर्ग की तरफ निकल गए हैं और 50-60 किलोमीटर और हैं यहाँ से, जहाँ पे मैं बता रहा था बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग हुई थी। सबने देखी होगी वो मूवी। नहीं तो अभी भैया आ गए हैं हमारे साथ, भैया बताएंगे। बाकी एक बार मॉम डैड भी देखो, फुल टाइम लग रही है। भैया आ गए हैं, भैया बताते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हमें पहले आएगा, हमें रास्ते में आएगा टंगमार्ग आएगा, वो भी एक फेमस जगह है जहाँ पे बजरंगी भाईजान की पहली शूटिंग हो गई है। तो उसके बाद 10-15 किलोमीटर आएंगे तो फिर उसके बाद गुलमर्ग आएगा, तो वहाँ पे स्केटिंग भी होती है, वहाँ पे बहुत बर्फ भी है। तो उनके बाद उनको गंडोला भी होगा वहाँ पे, और हॉर्स भी होंगे वहाँ पे। मैं इनको सब कुछ दिखाऊंगा वहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम है वहाँ का रास्ता। तो अभी हम चल रहे हैं, ठंड भी बहुत है, ठंड ज़्यादा है। चलिए देखते हैं आगे, पहुँच के ठंड बढ़ने ही वाली है। बाकी गंडोला के बारे में बताना चाहूँगा कि वो ट्रॉली होती है जो फेस वन और फेस टू कवर करती है गुलमर्ग के बाद। तो अभी फेस टू तो बिल्कुल बंद है क्योंकि हैवी स्नोफॉल हो रही है ऊपर। फेस वन की टिकट्स हमने ऑनलाइन परचेज करी थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आके भी आप ले सकते हैं, पर अगर टूरिज्म का वो फुटफॉल ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे मुश्किल मिलती है। सेम डे पे आप नेक्स्ट डे की परचेज भी कर सकते हैं, ऐसे सच कोई इशू नहीं है। बाकी ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते दिखाते हैं अब आपको कैसे रहता है। तो गाइस गुलमर्ग से पहले एक अपना एरिया पड़ता है टनमर्ग, जहाँ पे हम अभी पहुँच चुके हैं। तो टनमर्ग में सारी जितनी भी प्राइवेट कैब्स हैं, गाड़ियाँ जो भी आप करके आते हैं, वो सारी यहीं पर रुकवा देते हैं। इसके बाद अपने घोड़े वगैरह चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपको ना बूट्स, जैकेट्स, ग्लव्स ये सब परचेज करना रहता है रेंट पे बेसिकली। और यहाँ से आप घोड़े वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से 3-4 किलोमीटर चढ़ाई है जो कि घोड़े वगैरह पे तो ईजिली हो सकती है। अगर जिनको पैदल ट्रैक करके जाना हो वो भी पॉसिबल है, कोई इश्यू नहीं है उसमें भी। बाकी हमने अभी जैकेट्स वगैरह तो ले लिए हैं। यहाँ पे रेंट तो ये लोग पहले ज़्यादा ही बताते हैं, 2 या 3 हज़ार आपको बताएंगे। तो मैंने अभी मॉम डैड और अपनी लिया, तो बार्गेनिंग यहाँ पे भी आपको करनी रहेगी। इन्होंने तो 2,500 बताया था रेट, ठीक है। तो इसके भी हमने 1,000-1,500 रुपये में फाइनल करवा दिया। अब घोड़े वगैरह ले रहे हैं, आपको दिखाते हैं। बाकी एरिया तो बहुत ही अच्छा है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको दिखाते हैं। गाइस घोड़ा वगैरह कर लिया है ऊपर गुलमर्ग तक जाने के लिए, जहाँ से हमारी गंडोला की ट्रॉली है। तो इसके भी रेट्स वगैरह अभी आपको बताएंगे। अभी निकल चुके हैं, ये मॉम डैड ने भी कर लिया है, तो चलते हैं यहाँ पे। अभी तो कोई ठंड वगैरह भी नहीं है, गर्मी ही है, लेकिन व्यू बहुत ही प्यारा है ऊपर। हमें यहाँ से दिख ही रहा है कि कितनी स्नोफॉल हो रही है। तो आगे चल के दिखाते हैं और आपको व्यू भी एक दिखाते हैं। थोड़ी थोड़ी स्नो यहाँ से सबको दिखने लग गई होगी, ठीक है। तो अभी ऊपर गुलमर्ग में जाके, जो मेन गुलमर्ग है, वहाँ पे फेस वन की अभी हमारे पास टिकट हमने ले ही रखी, जैसे कि सबको बताया था।
तो ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं जो फेस वन में अभी बर्फ गिरी हुई है। फेस टू की तो अभी इन्होंने रोक रखी है क्योंकि वहाँ पे बर्फ वगैरह अभी ज़्यादा गिरी है, एंड मोर ओवर उसकी टिकट्स भी अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी, तो इसकी वजह से हमें फेस वन की ही मिली। बाकी ये देखो व्यू बहुत ही प्यारा है और भैया भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। सारे टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं यहाँ से, देखिए कितना बढ़िया व्यू है। गाइस गुलमर्ग की फर्स्ट पीक तक आ चुके हैं, यहाँ से अब हमारी गंडोला राइड शुरू है। गंडोला राइड जो कि फर्स्ट फेज तक जाएगी, जिसके हमने ऑनलाइन टिकट वगैरह परचेज की थी, तो यहाँ से वो शुरू है। अभी तक तो बहुत बढ़िया, एम्बियंस भी बहुत बढ़िया है, टूरिस्ट फुटफॉल भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि दिसंबर सीज़न बेसिकली पीक रहता है यहाँ पे, एंड जून जुलाई ये दो सीज़न हैं जो बहुत ज़्यादा पीक रहते हैं टूरिस्ट के फुटफॉल के लिए। बाकी अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे, जो कि हॉर्सेस वगैरह से भी उतर चुके हैं। हॉर्सेस वगैरह का भी प्राइस वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में आपको बताएंगे। अभी चलते हैं अपना चेक इन वगैरह करवाते हैं जो हमने गंडोला के पासेस लिए हैं, फिर आपको दिखाते हैं ट्रॉली का गंडोला का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी मॉम डैड भी आ रहे हैं जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, डैड के थोड़ा स्प्रेन आ गया है पैर पे, इसकी वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। बाकी चलते हैं दिखाते हैं आगे आपको। तो गाइज ये है गंडोला ट्रॉली, काफी अच्छी सर्विस है, मतलब विद इन अ सेकेंड ही ये चलती रहती है, मतलब कोई भी डिले नहीं है। लेकिन हाँ, चेकिंग के लिए लाइन बहुत लंबी है, कम से कम 20-25 मिनट का वेट करना पड़ेगा जिनके पास पासेज हैं उनको भी। ये हमने चेक इन वगैरह कर लिया है, तो ये एक छोटी सी वो है लाइन, और ये देखिए बिल्कुल बिठाया और नेक्स्ट सामने, तो कोई भी डिले नहीं है सच। बाकी यहाँ अभी हमें पता लगा कि फेज टू वाली ट्रॉली में थोड़ा टेक्निकल इशू है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो अभी बंद कर दी गई है, तो मतलब अच्छी बात है। हमने तो वो टिकट्स भी नहीं ली थी उसकी, क्योंकि वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा थी। तो अभी इस पे चलते हैं। सबने पहचान भी लिया होगा ये वाला व्यू, ये बजरंगी भाईजान जिन लोगों ने देखी है। तो अभी आज शायद सबको पता होगा कि सेक्शन 137 का कुछ इम्पोजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आज इनकी दिल्ली में हाई कोर्ट में मीटिंग भी चल रही है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका वर्डिक्ट अभी आना बाकी है, जिसकी वजह से कश्मीर में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। क्योंकि यू नो कभी कभार कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हाई सिक्योरिटी रख दी है, पूरे उसमें CRPF लग गई है। यहाँ पे तो ब्लॉगिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है, बट कश्मीर में कर दिया गया था, यहाँ पे भी सिक्योरिटी बहुत हाई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे
सिक्योरिटी लगी हुई है क्योंकि इसके बाद फिर हमारा फेज टू के बाद कारगिल शुरू होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अभी ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया नहीं है, असेंबली में 2024 की इम्पोज करेंगे वो। अभी तो जम्मू कश्मीर पुलिस को यही बताया गया है जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है, देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो ऐसे कोई इशू नहीं है यहाँ पे, CRPF वाले भी हमारे ही सिक्योरिटी के लिए हैं। बाकी व्यू एंजॉय करिए आप, बहुत अमेजिंग व्यू है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, थोड़ा लंच वगैरह करते हैं और लेके चलते हैं आपको आगे। यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत मैंने इसके बारे में गूगल पे भी देखा था। देखते हैं आज कैसे है, इसको ट्राई करते हैं और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। पहले तो मेन्यू देखते हैं इसका क्या क्या है। एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा है एंड हीटर्स वगैरह भी प्रॉपर ऑन कर रखे हैं इन लोगों ने, और मॉम डैड भी यहीं पे बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं गाइस, इनके सबसे ज़्यादा जो हाइप्ड आइटम्स हैं कश्मीरी चिकन पुलाव और वाइट सॉस पास्ता, ये लिया है हमने यहाँ पे। वेदर भी अब बहुत बढ़िया हो गया, बारिश वारिश भी शुरू हो गई है। बाकी मम्मी से रिव्यू लेते हैं कैसा है टेस्ट। कश्मीरी पुलाव भी बहुत बढ़िया है, कश्मीरी पुलाव हम दिल्ली में खाते हैं, अब कश्मीर आके भी कश्मीरी पुलाव नहीं खाए तो क्या फायदा। खाते हैं और चलते हैं फिर आगे। कैसा लगा चिकन पुलाव? आज हम पूछते हैं ब्लॉगर आशीष कोहली से, प्लीज टेल मी। तो भाई ये फेस वन की लाइन बढ़ती जा रही है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ पे ट्रॉलीज भी नहीं चलती है क्योंकि स्नोफॉल वगैरह का भी थोड़ा वो इशू रहता है जिसमें ये सब मशीनरी आइटम्स नहीं चल पाती है। ठीक है, तो दिक्कत होती है, लाइन काफ़ी लंबी है, हमारे पीछे भी काफ़ी लंबी लाइन लग गई है। तो एक बार सीन इंजॉय करके लाइन तो हम कर लेंगे सैक्रीफाइस, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गाइस अभी फेस वन से वापस आ चुके हैं, अभी हॉरिफाई एक्सपीरियंस था, बीच में खराब हो गई थी हमारी ट्रॉली, ये भी बीच में खराब हो गई थी, 15 मिनट का स्टे लेना पड़ा बीच में बिल्कुल हवा पे, नीचे पूरी खाई हुई थी, लेकिन ठीक है जैसे हो गया ठीक। हम श्रीनगर से 14,000 फीट ऊपर गए थे
वहाँ पे -7 डिग्री था अभी और CRPF वाले थे बहुत, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि अभी -15 तक जाता है रात को 10 बजे के बाद, -7 तो अभी ही था। तो आ गए हम नीचे आ गए, अब देखते हैं कैसे रहता है। अभी खाना वाना भी ऊपर जैसे कि हमने दिखाया कि कर ही लिया है, अब नीचे का थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ हैं कवर करने के लिए या नहीं। ये तो हो चुका है पूरा फेस वन एंड गुलमर्ग, देख ही सकते हैं अभी भी ट्रॉलीज वगैरह आ रही है। बस ये लास्ट टाइम ही एंड का 5:30 बजे तक सारी बंद हो जाती है। तो वहाँ पे CRPF वाले भी सबको इसी चक्कर में जल्दी करवा रहे थे क्योंकि ऊपर पूरा कैंप एरिया है CRPF वालों का, उसके बाद नॉर्मल ऐसे टूरिस्ट वगैरह को भी नहीं रोकते हैं। तो लेके चलते हैं आगे आपको। तो गाइस तुनमर्ग के लिए निकल गए हैं, अभी अपनी सवारी पे आ गए हैं घोड़े पे, मॉम डैड भी पीछे ही हैं। जैसे आप देख सकते हो -7 हो गया है अभी यहाँ पे। तो होटल की तरफ जा रहे हैं अब, यहाँ से अभी हमारे ड्राइवर एंड प्राइवेट जो हमने कैब कर रखी है वो आगे यहीं पर है टुनमर्ग तक, तो वहाँ पर जा रही हैं। देखते हैं आगे चलते हैं, अभी तो बिल्कुल हाथ फ्री, सब चीज़ें फ्रीज हो रखी हैं, -7 बिल्कुल। और दिखाते हैं आपको आगे का। आ गए हैं वापस होटल में, जैसे कि आपने देखा आज का दिन बहुत हेक्टिक था। अब डिनर वगैरह करते हैं, डिनर भी आ गया है हमारा, देख ही सकते हैं। बाकी डिनर वगैरह करते हैं, आज के दिन को क्लोज करते हैं, कोने होने चलते हैं, दिखाते हैं आपको कल कहाँ कहाँ जाते हैं। कल पहलगाम वगैरह जाना है, जहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था वो भी आपको दिखाएंगे कल, ठीक है। ओके, गुड नाइट, जय श्री राम।